गाइस, मेरा नाम है रायान। आज की वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल ट्रक क्रेन की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। शायद इस तरह का क्रेन आप लोगों ने कभी देखा होगा यार। दिखने में ये ट्रक जैसा भी दिखाई देता है और क्रेन जैसा भी दिखाई देता है। ऊपर की तरफ देखो यार, यहाँ पे क्रेन का इसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। शायद ही पूरे यूट्यूब पे आपने इस तरह का क्रेन कहीं पे भी देखा होगा। ये क्रेन बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसको मैंने दूसरी कंट्री से मंगवाया। इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है, 6,200 रुपीज में खरीदा है। चलो गाइस, फटाफट से बिना वक्त वेस्ट किए इसको अनबॉक्स करते हैं और दूसरे ट्रक्स के साथ इसकी फाइट कराते हैं। देखते हैं ये क्रेन इतनी ज्यादा पावरफुल है। लेट्स स्टार्ट। आज ट्रक क्रेन के साथ फाइट कराने के लिए मेरे पास मोबियस का ट्रक भी है, डब्ल्यू एल टॉयज का एक डंप ट्रक भी है। ये ट्रक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और एक फायर फाइटर मशीन भी। चलो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। गाइस, आपने अभी तक मेरे वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा देना। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, बहुत सारे बटन इसके अंदर दिए गए क्योंकि ये ट्रक बहुत ज्यादा ऑसम है। चलो फटाफट से अभी ट्रक को भी निकाल लेते हैं। पैकिंग मेरे को इसकी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है गाइस। ओ भाई, ये ट्रक बहुत ज्यादा बड़े साइज का है और इसकी हाइट भी देखो यार, बहुत ही ज्यादा दी गई है। ट्रक को मैंने बॉक्स के अंदर से निकाल लिया है, यहाँ से भी इसको निकाल लेते हैं। बैटरी वगैरह शायद इसी के अंदर होगी। ये जो ऊपर का इसका क्रेन है ना यार, पूरी तरीके से हम लोग रिमोट से भी चला सकते हैं और ये एक्सटेंड होके सामने भी जाता है, पीछे भी जाता है। यहाँ पर एक हुक दी गई है, ये कम्प्लीटली प्लास्टिक का ही बना हुआ है और इसका ये जो कैबिन है कम्प्लीटली 180 डिग्री तक मूव भी कर सकता है। इसके अंदर इस तरह के यूनिवर्सल मैग्नम व्हील्स दिए गए। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो आप खुद देख सकते हो, बहुत ज्यादा सॉलिड इसकी बिल्ड क्वालिटी है। इतना बड़ा एंटी कोल्यूशन बम्पर है यार, इससे जो भी टकराएगा वो शायद चकनाचूर हो जाएगा। ऊपर की तरफ लाइट्स वगैरह यहाँ पे दी गई है, साइड मिरर्स है, यहाँ पे भी एक मिरर दिया गया है। इसके अंदर इस तरह के सस्पेंशन सपोर्टर भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस दिया गया है, शायद इसको हम लोग यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं, पर ये ऊपर नहीं जा रही है। गाइस, अभी ये मोबियस लॉरी को अनबॉक्स करते हैं। इसका बॉक्स दिखने में छोटा है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इंजन देखने को मिलता है, बाकी जो पीछे का ट्रेलर है मैं अलग से अटैच करने वाला हूं। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, इसके साथ बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि ये एक बहुत ही यूनिक सा रिमोट देखने को मिल जाता है। इस तरह के रिमोट जो है प्रोफेशनल आरसी कार्स में दिए जाते हैं। ये लॉरी के पीछे लगाने के लिए कुछ अलग से अटैचमेंट्स भी दिए गए। अब निकालता हूं मैं हमारी लॉरी को। देखो गाइस, लग रही है ना पुरानी जमाने वाली लॉरी। इस तरह की लॉरी टाटा या फिर अशोक लेलैंड के पास हुआ करती थी। देखते हैं गाइस ये लॉरी कितनी अच्छे तरीके से फॉर्म करती है। यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट है, पीछे की तरफ ट्रेलर लगाएंगे तो ये लॉरी काफी ज्यादा बड़े साइज की भी नजर आ जाएगी। इधर देखो यार, सस्पेंशन भी लगाया गया है। सामने की तरफ बहुत सारा क्रोम है, यहाँ पे एंटी कोल्यूशन बम्पर देखने को मिलता है, लाइट्स देखने को मिलती है। ट्रक को अनबॉक्स करते हैं। इसको मैंने 11,000 रुपीज में खरीदा था, लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप ये सारी चीजें परचेस कर सकते हो। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, दिखने में एक वीडियो गेम के रिमोट जैसा ही दिखाई देता है क्योंकि इसकी जॉयस्टिक बहुत ज्यादा स्मूथ है यार। यहाँ पे बटन है, यहाँ पे बहुत सारे बटन दिए। अब निकालते हैं गाइस हमारे डंप ट्रक को। इसकी क्वालिटी मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया लगती है यार। देखो यार, दिखने में भी एक बहुत ज्यादा रियल ट्रक जैसा ही दिखाई देता है और ये सामने से बिल्कुल हमारा जो ग्रीन कलर का ट्रक क्रेन था उसके जैसा ही सामने डिजाइन दिया गया है। एक्सविल ड्राइव वाला डंप ट्रक है, अंदर एक बहुत बड़ा डंपर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अंदर की तरफ कैबिन वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट। और ये सभी ट्रक्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। सभी ट्रक्स बहुत ज्यादा कमाल की दिखाई दे रही है और इनका साइज तो देखो यार, क्या ही कमाल का दिख रहा है। ये ट्रक के पीछे मैंने ये कंटेनर भी लगा दिया है। चलो गाइस, अभी चलते हैं रोड के ऊपर, वहां पे कराते हैं इनके बीच में रेस। देखते हैं गाइस इन सब में से कौन सबसे ज्यादा फास्ट चल सकता है, उसके बाद इनके बीच में फाइट भी कराएंगे। ओके यार, ये आरसी क्रेन को मैंने यहाँ पे रख दिया, टेस्ट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसका हुक टेस्ट करते हैं। एक बटन दबाया है मैंने रिमोट के अंदर, ये इसका हुक ऊपर भी जाने लगा है और साथ में एक्सटेंड होके बड़ा भी हो रहा है। ये देख लो, इसको भी मैंने कितना ऊपर कर दिया है। बाकी इसकी ये जो कैबिन है इसको हाथ से ही मूव कराना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर मोटर नहीं दी गई है। अब इसका स्पेशल फीचर टेस्ट करते हैं, वो है वेट उठाना, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन मशीन है तो वेट तो उठाएगी। यहाँ पे देखो, थोड़ी सी झाड़ियां मैंने उठा ली है और ये झाड़ियां उठाने के साथ साथ इनको लेके भी चल सकता है। अब एक और एक्सट्रीम काम करते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर को उठा के देखते हैं ये उठा पाता है या नहीं। बहुत परफेक्टली उठा लिया यार इसने, मेरे को नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा वेट भी उठा सकता है। अब इसको लेके चलते भी है गाइस। ओ माय गॉड, ये चल भी रहा है यार, इतना ज्यादा भारी भरकम कंटेनर लेकर। मजा आ गया गाइस आरसी क्रेन को टेस्ट करके। ये आरसी क्रेन वेट उठाने के साथ साथ एक परफेक्ट आरसी कार की तरह चल भी सकती है, साइड बाय साइड चल सकती है, आगे पीछे भी चल सकती है और इसकी स्पीड भी अच्छी खासी दी गई है यार। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आरसी क्रेन की स्पीड
इतनी ज्यादा होगी। ओके, अब फायर रेस्क्यू ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आग लग चुकी है जंगल के अंदर। अब ये आग भी मैं आपको बुझा के बता देता हूँ, क्योंकि इसका स्प्रिंकलर बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से पानी को थ्रो कर सकता है। यहाँ पे देखो, अब चुटकी बजाते ही इतनी ज्यादा खतरनाक आग को फायर रेस्क्यू ट्रक बुझा भी चुका। इसका स्प्रिंकलर 10 फीट दूर तक ये फेंक सकता है। ये देख लो रोड के ऊपर कितनी दूर तक ये पानी फेंक रहा है। इसको भी चला के एकदम मजा आ गया गाइस। इसका जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है वो 500 ml की है, यानी कि हाफ लीटर। अब ये WL Toys के सबसे ज्यादा पावरफुल डंपर ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। एक बटन दबाने से इसका पीछे का कंटेनर ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका सबसे ज्यादा स्पेशल फीचर टेस्ट करते हैं, वो है मिट्टी को उठाना या फिर रेत को उठाना। इसके अंदर मैंने फुल टू लोड डाल दिया है, ये बहुत परफेक्टली चल रहा है। यहाँ पे मैंने इसको ऑफ रोड में भी टेस्ट करके देखा, इसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। बस एक बटन दबाने से ये सारी की सारी जो रेत है ये वापस से अनलोड भी कर देता है। बाकी इसकी स्पीड की बात करूं तो ये थोड़ा सा स्लो चलता है गाइस, क्योंकि एक बहुत भारी भरकम RC ट्रक है। अब ये टर्बो टाइटन ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। इसका सबसे स्पेशल फीचर है ये कंटेनर। कंटेनर के अंदर में भारी भरकम मिल्टन का स्टील बॉटल रख दिया है। ये ट्रक इतना ज्यादा वेट लेके जा सकता है। आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा नीचे दब चुका है। अब मैं इसको जैसे ही चलाना चालू करूंगा, देखो यार ये कंटेनर स्ट्रेट हो चुका है और ये बहुत स्पीड से भी चल सकता है गाइस। आप इसके पीछे जितना चाहे उतना वेट डालो, ये सारा का सारा वेट लेके जा सकता है। बाकी इसकी कंट्रोलिंग थोड़ी सी खराब है, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा होने के कारण जैसे मैं इसको टर्न करा रहा हूँ तो देखो ये थोड़ा सा पलटने लग रहा है। सभी RC ट्रक्स के स्पेशल फीचर्स मैंने आपको टेस्ट करके बता दिए थे। अब कराते हैं इनके बीच में रेस, देखते हैं कौन सा ट्रक सबसे ज्यादा फास्ट चल सकता है। पहले इन दोनों के बीच में मैं रेस कराने वाला हूँ। RC क्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है WL Toys के डंपर ट्रक के मुकाबले में। क्लियरली ये बहुत ज्यादा आसानी से रेस को जीत चुका है। अब देखते हैं RC क्रेन क्या ये फायर रेस्क्यू ट्रक को भी रेस में हरा पाती है नहीं, क्योंकि फायर रेस्क्यू ट्रक काफी अच्छी खासी स्पीड से चल सकता है। यहाँ पे दोनों के बीच में एकदम कांटे की रेस चल रही थी, पर RC क्रेन ने इसको भी ओवरटेक कर दिया है और यहाँ पे ये आगे जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। फायर रेस्क्यू ट्रक भी यार बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये बहुत ज्यादा स्पीड से चल सकता है, पर इस बार RC क्रेन ने इसको हरा दिया है रेस में। अब यहाँ पे फाइनल रेस होगी टर्बो टाइटन ट्रक वर्सेस RC क्रेन के बीच में। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। RC क्रेन बहुत ज्यादा आगे निकल गई थी, पर टर्बो टाइटन ट्रक इतना ज्यादा फास्ट है यार। देखो मैंने इसके अंदर जैसे ही टॉप गियर लगाया, ये चुटकी बजाते ही आगे निकल गया है। यहाँ पे RC क्रेन पूरी कोशिश कर रही है इसको ओवरटेक करने के लिए, पर मेरे को नहीं लगता कि ये टर्बो टाइटन ट्रक को हरा पाएगी, क्योंकि टर्बो टाइटन ट्रक के अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल मोटर दी गई है। क्लियरली यहाँ पे टर्बो टाइटन ट्रक है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट RC ट्रक। ठीक है, टर्बो टाइटन ट्रक तो बहुत फास्ट से चल रहा था। अब इन दोनों के बीच में पुश बैक कराते हैं, देखते हैं पावरफुल कौन है दोनों में से। टक्कर बहुत ही खतरनाक हुई है दोनों के बीच में। यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है टर्बो टाइटन ट्रक ये RC क्रेन को हराने के लिए, पर RC क्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स लगे होने के कारण इसको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप मिल रही है। क्लियरली इसने टर्बो टाइटन ट्रक को पुश बैक में हरा के रख दिया है। अब RC क्रेन के साथ फाइट करने के लिए फायर रेस्क्यू ट्रक आ चुका है। दोनों के बीच में टक्कर एकदम बराबर वाली हुई है, क्योंकि दोनों का वेट उतना ही है। यहाँ पे RC क्रेन धीरे धीरे करके फायर रेस्क्यू ट्रक को पीछे ढकेल रही है और फायर रेस्क्यू ट्रक यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक लगाकर रोकने की इसको कोशिश कर रहा है, पर फिर भी यहाँ पे RC क्रेन ने फायर रेस्क्यू ट्रक को पूरी तरीके से हरा के रख दिया। अब देखते हैं RC क्रेन क्या है WL Toys के डंपर ट्रक को भी हरा पाती है यानी पुश बैक में। टक्कर बहुत जोरदार हुई है दोनों के बीच में। शुरुआत से ही WL Toys का डंपर ट्रक RC क्रेन के ऊपर भारी पड़ता हुआ मेरे को लग रहा है। ओ माय गॉड, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। RC क्रेन को इसने झाड़ियों में ढकेल के रख दिया है पूरी तरीके से। ओके गाइस, अब थगो फोर कराते हैं WL Toys डंपर ट्रक वर्सेस RC क्रेन के बीच में। देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल, देखते हैं दोनों में से कौन किसको हराएगा। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो RC क्रेन धीरे धीरे करके हारने लगी है। क्लियरली यहाँ पर WL Toys डंपर ट्रक सबसे ज्यादा पावरफुल है। ओके यार, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सभी ट्रक्स में से कौन सा ट्रक अच्छा लगा। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। तो पहला नाम है सयान, अनिकेत, अर्नब, कार्तिक, महबूब, पिंटू, बलजिंदर, रियांशु, करमवीर, अमन खान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।